तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जाव से। हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ किलो पास्कल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और मेगा पास्कल टू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें हम लोग किस तरह से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस तरह के यूनिट को कन्वर्जन करने के लिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किलो पास्कल है और यहाँ भी क्या है मेगा पास्कल है। तो आप पास्कल का एक यूनिट आपको हमेशा याद रखना है कि वन पास्कल इज इक्वल टू आपका होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू आपका कितना होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। और एक एक दो और बेसिक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे किलो है और ये मेगा है, तो किलो का मतलब हमेशा होता है किलो। किलो का मतलब आपका हमेशा भी होगा 10 to the power 3। और मेगा का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। यही चीज़ आपको सिर्फ समझना है, आप इजीली इस तरह के यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम केस देखते हैं, हम दोनों में आपको बताएंगे कि किलो पास्कल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे करना है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं पे वैल्यू दे दिया गया आपको, कहे कि किलो पास्कल में इस यूनिट को कन्वर्ट करके बताइए। तो उस तरह से हमको कैसे कन्वर्ट करना है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और मेगा पास्कल से न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से मेगा पास्कल में कैसे यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम केस 1 देखते हैं, केस 1। ठीक है, अगर ऐसा हमें क्वेश्चन में दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमसे कहा जाए कि पहला हम देख लेते हैं किलो पास्कल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला में, कि 1 किलो पास्कल का वैल्यू अगर कहीं पे दिया हो, 1 KPa किलो पास्कल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए तो आप देखिए आप इसको कैसे इस तरह के यूनिट को आप कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ अभी हमने आपको बेसिक आपको क्या बताया कि किलो का मतलब क्या होता है 10 to the power 3। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ भी देख सकते हैं किलो पास्कल, और ऑलरेडी आपको पास्कल का वैल्यू आपको पता है पास्कल, ठीक है, पास्कल भी लिख सकते हैं या फिर इसको पीए भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 PA यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू आपका कितना है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो का भी आपको पता है कि 10 to the power 3 होगा। तो हमको अब किस में यूनिट को कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमको इस यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले हम किलो को हटा लेते हैं, ओनली पास्कल को रहने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो पास्कल है, तो 1 into किलो अगर हटाएंगे, वही हमको पास्कल लिखना हो, किलो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 to the power 3 कर लेंगे। यहाँ पे 10 to the power 3, ये क्या बचा मेरा पास्कल बचा, 1 into 10 to the power 3 ये मेरा पास्कल हो गया। अब आगे देखिए अब क्या है कि अभी हमने आपको क्या बताया कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम पास्कल के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं तो ये मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये पास्कल के वैल्यू को जैसे ही हटाएंगे ये मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू सेम होगा तो कितना होगा 10 to the power 3, 1 into 1 आपका वही रह जाएगा, तो 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन आपको ये पता चल रहा है कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू, यानी 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा 10 to the power 3, 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको पता हो गया कि 1 किलो पास्कल का वैल्यू आपका कितना होगा 10 to the power 3 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आपको 1 किलो पास्कल का वैल्यू आपको पता हो जाता है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो मतलब क्या 5 into 10 to the power 3 कर लेंगे, 5 into 10 to the power 3 क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 5 किलो पास्कल है। तो सिमिलर वे में आप जितना का भी चाहे उतना का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा कि 5 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी 5 हो जाता, ठीक है, तो यहाँ भी 5 into 10 to the power 3 हो जाता। तो आप दोनों में से चाहे आप यहाँ भी वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये इसको याद ही कर ले डायरेक्ट कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो उतना यूनिट को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख लेंगे।
तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा केस वन वाले को कंडीशन को ही देखते हैं। अभी किलो पास्कल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हो गया, तो दूसरा केस देखते हैं। केस वन का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि मेगा पास्कल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किसी यूनिट को हमको कन्वर्ट करना है, तो अगर हमसे दे दिया जाए 1 मेगा पास्कल, तो 1 MPa, ठीक है, एम से मेगा और पी ए से पास्कल, 1 MPa इजक्ल टू 1 मेगा पास्कल इजक्ल टू कितना न्यूटन पर MM² होगा, यानी कितना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको हो, तो देखिए इस तरह के यूनिट को आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी सबसे पहले क्या है कि मेरा ये मेगा है, यहाँ पे मेगा को हटा के ओनली हम पास्कल में इस वैल्यू को हमको लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या 1 मेगा पास्कल है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 1 इंटू मेगा को जैसे ही हटाएंगे तो मेगा के लिए मेरा क्या ऐड होगा, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो क्या मेरा बचा, मेगा हट गया तो ओनली मेरा पास्कल बचा है, ठीक है, तो यही 10 टू द पावर 6 पास्कल मेरा ये वैल्यू बच गया, 10 टू द पावर 6 पास्कल। अब हमको वैल्यू किस में लिखना है, न्यूटन पर MM² में हमको वैल्यू को लिखना है। और अभी आपको हमने क्या बताया कि 1 पास्कल इजक्ल टू कितना होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी हम उसी चीज़ को करते हैं, पास्कल को हटा के यहाँ पे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी ये 10 टू द पावर 6 पास्कल है, तो मतलब क्या है कि ये 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये मेरा वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मेरा वैल्यू है यहाँ से। तो उसके बाद अब देखिए अभी हमको वैल्यू किस में लिखना है, न्यूटन पर MM² में हमको इस वैल्यू को लिखना है। और ये मेरा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे हमको लिखना कितने है, न्यूटन पर MM² में इस वैल्यू को हमको लिखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मीटर वाले वैल्यू को हम चेंज करेंगे, तो आपको पता होगा 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 1000 mm होगा, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 6 लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर है, तो पर का मतलब क्या आता है, बाई का साइन हमको देना है, क्योंकि न्यूटन न्यूटन यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना है, और न्यूटन ऑलरेडी है तो इसको चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट यहाँ पर है तो बाई का साइन दे लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, हमको लिखना किस में है, मीटर स्क्वायर से हमको MM² में जाना है। तो मीटर से MM में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 1000, तो ये मीटर से MM में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है, MM² है, तो मतलब क्या कि 1000 का स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं 10 टू द पावर ये 6 हो गया मेरा, और ये 1000 × 1000 ये स्क्वायर है, तो 1000 × 1000 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा वैल्यू ऊपर का 10 टू द पावर 6 है, और यहाँ भी देख सकते हैं कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो गया मेरा 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 6 ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, यानी ये वैल्यू 1 हो गया, 1 कितना हो गया, न्यूटन पर MM² ये आपका ये वैल्यू हो गया। तो मतलब क्या कि हम यहाँ से एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर MM² होगा, तो 1 न्यूटन पर MM² होगा, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर MM² होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमको कुछ भी पूछा जाए, अगर फॉर एग्जांपल हमको 10 मेगा पास्कल का वैल्यू पूछा जाए, 10 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर MM² होगा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 न्यूटन पर MM², तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं जैसा अभी हमने इस वाले केस में बताया। और यहाँ पर 10 मेगा पास्कल होता तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 × 10 टू पावर 6 होता, यहाँ भी क्या होता, 10 × 10 टू पावर 6, इसी तरह से वैल्यू मेरा कंफर्म होते रहता, यहाँ भी 10 × 10 टू पावर 6 रहता, और यहाँ भी क्या होता, 10 × 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाता, तो मेरा क्या बचता, रिमेनिंग वहाँ पर 10 बचता। तो आप दोनों से चाहे दोनों से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो अब यहाँ से हम केस 2 देखते हैं, केस 2 में देखते हैं, जस्ट इसका हम रिवर्स देखेंगे, दोनों का रिवर्स अगर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेगा पास्कल वाले का आपको बता देते हैं, पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर दिया रहे, क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आप बताइए कि 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल टू कितना मेगा पास्कल होगा, ठीक है। अगर ऐसा उसको रिवर्स में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको तो ये पता ही है, यहाँ भी हमने क्या निकाला कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो मतलब क्या है, 5 मेगा पास्कल होता तो कितना होता, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, तो ये तो आपको डायरेक्टली देख के आपको पता चल रहा है, तो उतना उसमें कन्फ्यूज होने का ज़रूरत ही नहीं है, तो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है आपके पास। तो 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि 5 मेगा पास्कल होगा, 5 मेगा पास्कल, क्योंकि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, तो 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 5 मेगा पास्कल होगा। तो आप जितना का भी चाहे उतना का इससे निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाले केस टू में देखते हैं। केस टू में अगर इसी क्वेश्चन को अगर लिख देता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कह देता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अगर हमसे ऐसा कहा जाता है कि 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल टू कितना किलो पास्कल होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में रहे तो फिर इसको कैसे देखना है। तो देखिए, इसका जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, हमने अभी क्या निकाला था कि 1 किलो पास्कल इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो यह 10 टू द पावर 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ भी केस को ऐसा लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली आप उतना कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 1 के नीचे आता है, तो यहाँ पर क्या 25 है, तो 25 के नीचे 25 बाई 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल, ठीक है, 25 बाई 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल। या फिर हम इसको अलग वे में कह सकते हैं कि 25 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर 3 है, ये +3 है, तो ऊपर जाके क्या होगा, -3 किलो पास्कल। तो आप दोनों वे में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, इसको आपको करके बताते हैं कि 25 बाई कितना है, ये दोनों पे एक ही चीज़ है, अब दोनों में से चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, इतना में भी आप आंसर को लिख सकते हैं, या फिर आपको और सिंप्लीफाई करना हो तो आप लिख सकते हैं 25 बाई 10 टू द पावर 3 है, तो मतलब क्या है, ये थाउजेंड्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये थाउजेंड्स है, तो 25 बाई 1000 किलो पास्कल है, ठीक है, 25 बाई 1000 किलो पास्कल है। तो अब देखिए, आप इसको कैलसी में जब फाइंड आउट करेंगे कि 25 बाई 1000, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.025 क्या होगा आपका किलो पास्कल। मतलब ये है कि 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका, 0.025 किलो पास्कल। तो आप इस तरह से जितना का भी वैल्यू हो आप इजीली निकाल सकते हैं, चाहे आप उसका रिवर्स में निकालें या फिर सीधा केस वन के हिसाब से निकालें, तो इस तरह का यूनिट कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको कुछ बेसिक्स आपको याद रखना होगा, जैसे बेसिक्स मेरा ये था कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो का मतलब 10 टू पावर 3 होगा, मेगा का मतलब 10 टू पावर 6 होगा, और ये 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है। तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को भी याद कर ले कि 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये अगर आपको याद रहा तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। और दूसरा ये दूसरा पॉइंट ये है कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये आप याद रखें तो आप इजीली बिना इतना सारा कैलकुलेशन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मतलब जस्ट अगर आपको ये सब अगर बेसिक आप मतलब उसमें तो कुछ है नहीं, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है ये सब चीज़ को याद रखना। तो आप इस तरह से याद कर ले, आप इजीली इस तरह के यूनिट को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।